पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा और हमें लगेगा कि जिंदगी तो बीत गई, वो बीते हुए पल वापस नहीं आएंगे। मैं हर चीज़ अपनी लाइफ में ट्राई करना चाहता हूँ। मैं घूमना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, हर पल कुछ नया करना चाहता हूँ। काम से, परेशानियों से आज़ाद रहना चाहता हूँ मैं। वो पहाड़ों की शाम, वो हसीं वादियाँ, रात को कपकपाती ठंड में कंबल ओढ़ के घूमना चाहता हूँ मैं। चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है, सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही होता है जो वहां जाता है, वरना सब तो सीधे रास्ते ही जाते हैं। वो कहते हैं ना, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हार मान जाते हैं। आप पैसा तो पूरी जिंदगी कमा सकते हैं, मगर अपने आप को कभी वक्त दो और निकल पड़ो कहीं दूर, जहाँ कोई तुम्हारा इंतजार ना कर रहा हो। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफर शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक जाना है। हेलो गाइस, दिस इज तरनजीत सिंह फ्रॉम एडिटिंग शॉप। आज हम आपको बताएंगे कि सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लें मोबाइल से। हमारी लोकेशन थी भुली भुदियारी, जो कि झंडेवालन दिल्ली में है, जो बहुत ही अमेजिंग लोकेशन लगी हमें। फिल्मों में सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक अच्छा सेटअप चाहिए होता है, एक अच्छी लोकेशन चाहिए होती है और बहुत सारा बजट। बट आप एक सिंपल और क्लीन सिनेमैटिक वीडियो अपने मोबाइल से ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल कैमरे की सेटिंग्स को HD मोड पर सिलेक्ट करना होगा। जितनी ज़्यादा हाई सेटिंग्स रखोगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपनी फुटेज आप 1080p के मोड पर रिकॉर्ड करें, जिसकी डायमेंशंस 1920x1080 होती है। जितना FPS ज़्यादा होगा, उतनी क्लैरिटी मिलेगी और स्मूथ स्लो मोशन मिलेगा आपको। स्लो मोशन बहुत अच्छे तरीके से शॉट को डिफाइन करता है। इंडोर शॉट में लाइटिंग बहुत मैटर करती है, आपको लाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी लाइटिंग नहीं तो मतलब अच्छी वीडियो नहीं। हमारा ये आउटडोर शूट है, जिसमें हमें नेचुरल लाइट मिली, तो हमें और लाइट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। ध्यान रहे, आप जब भी शॉट ले रहे हो तो पहले अपने एरिया को चेक करें कि आपको किधर किधर अपना पैर रखना है, कहां कहां जाना है, वरना आपका अंजाम ये हो सकता है। कैमरा मूवमेंट बहुत डिपेंड करती है ऐसे शॉट्स में। जितनी मूवमेंट होगी कैमरे में, उतना शॉट आपका अच्छा लगता है। जैसे ये एक शॉट है जिसमें हमने कैमरा स्टिल है और सब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये शॉट बॉलीवुड मूवी सन ऑफ सरदार से इंस्पायर्ड है। इसमें हमने मोबाइल नीचे रखा है और रियर कैमरे से रिकॉर्ड किया है। फ्रंट से इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्रंट कैमरा इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देता, ये आपको भी पता है।
जितना हो सके अलग अलग शॉट्स लें, मीडियम शॉट्स लें, फुल शॉट्स लें, ताकि आपका सीन बारीकी से समझ आए। जैसे हमने एक शॉट एक्टर के सामने से लिया, एक शॉट पीछे से लिया, एक शॉट बाइक पे बैठे हुए लिया। इससे क्लियर हो रहा है कि एक्टर क्या करना चाह रहा है और ऑडियंस को समझ आएगी क्या दिखाना चाह रहे हैं। ऐसे शेकी सीन्स में बेटर होगा आप अपने मोबाइल का स्टेबलाइजेशन मोड ऑन कर लें, क्योंकि मोबाइल बहुत हिलता है ऐसे शॉट लेते टाइम। अगर स्टेबलाइजेशन मोड आपके मोबाइल में नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर से रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉप स्टेबलाइजर। ये ऑटोमेटिकली फुटेज को पहचान लेता है और स्मूथ कर देता है। अगर आपको फुटेज और स्मूथ करनी है तो आप इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसकी सेटिंग देख सकते हैं और फुटेज के अकॉर्डिंग इसको स्मूथ कर सकते हैं। आपने कई मूवीज़ में ऐसे सीन्स देखे होंगे, ये सीन्स वाइड एंगल शॉट लोकेशन को मेंशन करते हैं। आप ऐसे शॉट्स अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं, बस उसकी सेटिंग्स में जाके आप चेक करिए कि मोबाइल में वाइड एंगल अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि कुछ कुछ स्मार्टफोन्स में ये फीचर अवेलेबल नहीं होता। आप वाइड एंगल लेंस यूज़ कर सकते हैं, ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। इस लेंस को लगा के एक पर्सपेक्टिव अचीव कर सकते हैं आप। हमने ये शॉट्स वाइड एंगल लेने की कोशिश करी है, ये वाइड एंगल फीचर स्मार्टफोन में ऑलरेडी इंक्लूडेड था। हमने ये वीडियो Adobe Premiere Pro से एडिट करी। आपकी बेस्ट वीडियो सिलेक्ट करें और अपना एडिटिंग प्रोसेस शुरू करें। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप ऐसे वीडियो एडिट कर सकते हो, जैसे KineMaster, Quick, InShot, वीडियो शो। ऐसे कुछ बेसिक्स एप्लीकेशंस हैं जो मोबाइल पे इजीली रन करती हैं। आपको बस अपने आइडियाज़ पुट करने हैं एंड याद रहे बी क्रिएटिव गाइस ऑलवेज। जब हमने चैनल शुरू किया था तो हमने एक वीडियो अपलोड की थी, गोवा सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो, वो फुली शूट मोबाइल से थी। बस आपको क्रिएटिविटी दिखानी कि आप इस पे क्या क्या सीन्स दिखा सकते हो जिससे कि आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि आप बजट स्मार्टफोन से भी एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं और उसके साथ वो एसेसरी भी यूज़ कर सकते हैं जो पीछे हमने बताया, इससे आपको अच्छा रिजल्ट अचीव होता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, होप यू लाइक दिस स्टफ, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच गाइस।